नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों के स्लीप प्रॉब्लम्स, एलर्जी प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिनका वेट ज्यादा होता है या जो मोटे होते हैं, और उनमें से काफी बच्चों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली बच्चों में स्लीप एपनिया 1-2% बच्चों में होता है, लेकिन ओबीज बच्चों में या मोटे बच्चों में 35-40% चांस होता है स्लीप एपनिया का। अगर हम नॉर्मल कॉमन भाषा में इसको समझें तो अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं जिनका वेट ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली 35-40 बच्चों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होगी। ओबीज बच्चों में या मोटे बच्चों में स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम ज्यादा क्यों होती है? इसके कई सारे कारण हैं। पहला, जिन बच्चों का वेट ज्यादा होता है उनकी नेक में फैट ज्यादा जमा होता है जो ब्रीद करने में मुश्किलें पैदा करता है। इसके अलावा जो हमारे सांस के रास्ते हैं उसके अराउंड भी फैट डिपॉजिट हो जाता है जो सांस के रास्तों को दबाता है, स्पेशली जब बच्चा सो रहा होता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण है, जैसे कि बच्चे का जो चेस्ट है उसके अराउंड भी फैट डिपॉजिट हो जाता है और बच्चे अच्छे से रात को ब्रीद नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम भी हो सकता है। यदि बच्चे का वेट ज्यादा है और उसमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसकी हम बात करेंगे तो बच्चों को स्लीप एपनिया के लिए टेस्ट करना चाहिए। ये क्या लक्षण हो सकते हैं? यदि बच्चे को रात को सोने में डिफिकल्टी होती है, स्नोरिंग या घर्राटे की आवाज आती है कॉन्टिन्यूसली, तो ये एक फीचर है जो हमें अलार्म कर सकता है कि बच्चे को स्लीप एपनिया हो सकता है। इसके अलावा बच्चा अबनॉर्मल पॉस्चर्स में सोता है, कई बार यूजुअली उल्टा होके सोता है, नेक को हाइपर एक्सटेंड करके सो सकता है। बच्चे बार बार रात को जग जाते हैं। बच्चे का यूरिन बेड में निकल सकता है जिसको हम एन्यूरेसिस कहते हैं। बच्चे की डे टाइम फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चे दिन में एक्सेसिवली स्लीपी रहते हैं, वो कभी भी सो जाते हैं दिन में। कुछ बच्चे ओवर एक्टिव रह सकते हैं, हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। कुछ बच्चों में उनकी स्कूल परफॉर्मेंस डिटोरेट हो जाती है। तो यदि किसी बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स हैं और उसका वेट ज्यादा है तो हमें स्लीप एपनिया के लिए टेस्ट जरूर कराना चाहिए। स्लीप एपनिया को इवैल्यूएट करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? स्लीप एपनिया को इवैल्यूएट करने के लिए जो एकमात्र टेस्ट है जो हेल्प करता है उसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं। स्लीप स्टडी कई तरीके से की जाती है, वो कार्डियो रेस्पिरेटरी हो सकती है या फुल पॉलीसोमनोग्राफी हो सकती है। हमारे YouTube चैनल पर स्लीप स्टडी के लिए अलग से वीडियोस भी हैं, जिससे आपको अधिक जानकारी स्लीप स्टडी के बारे में प्राप्त हो सकती है। यदि ये पाया जाता है कि बच्चे को स्लीप एपनिया है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है? यदि बच्चे को ओबेसिटी है और स्लीप एपनिया है तो बच्चों को काफी सारी दिक्कतें होती हैं। उनका कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार हार्ट के प्रेशर्स बढ़ जाते हैं जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। बच्चों को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बच्चों के लिपिड्स बढ़ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं, बच्चों के शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, डायबिटीज में डेवलप हो सकता है। और जिन बच्चों को या एडोलेसेंट्स को ओबेसिटी या वेट ज्यादा होता है उनको बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उनको एडल्टहुड में भी ये प्रॉब्लम रहती है। यदि बच्चे को ओबेसिटी है और स्लीप एपनिया भी है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? इसके ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली एक जो चीज हम हमेशा इवैल्यूएट करते हैं वो ये देखते हैं कि एडेनोइड्स या टॉन्सिल्स तो बड़े हुए नहीं है। यदि ये बड़े हुए हैं तो यूजुअली इसको निकालने की आवश्यकता होती है और काफी बच्चों में इससे सिग्निफिकेंट फायदा भी होता है।
लेकिन काफी बच्चों में एडेनोइड्स या टॉन्सिल्स बड़े हुए नहीं होते हैं, या एडेनोइड्स और टॉन्सिल्स को निकालने के बाद भी उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम रहती है। इन सिचुएशंस में एक सिंपल सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है जिसको हम सीपैप कहते हैं। ये सीपैप एक छोटी सी मशीन होती है जो एक ट्यूब के द्वारा मास्क से अटैच होती है और इस मास्क को बच्चे की नोज पे लगाया जाता है जिस वक्त बच्चा सो रहा होता है, और इससे बच्चे को काफी रिलीफ आ जाता है और स्लीप एपनिया के सारे सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वेट मैनेजमेंट है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिससे कि स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम बाद में रिजॉल्व भी हो सकती है यदि बच्चे का वेट अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। तो यदि आपके घर में कोई बच्चा है जिसका वेट ज्यादा है और इसको इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं, तो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से या स्लीप स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें और अपने बच्चे की स्लीप स्टडी करवाएं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ankitbharat.com पे लॉग इन भी कर सकते हैं। थैंक यू।